प्रस्ताव था तो सर्वसम्मति से मेरे बोर्ड ने पास किया। दूसरा प्रस्ताव था आवारा जानवरों को जो नगर के अंदर विचरण कर रही है, घूम रही है, आवारा घूम रही है, इनको हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ते तो हमारे गोभक्त भी आ जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हमने बढ़ाया कि जुर्माने का प्रावधान रखा, हम उनको सबको पकड़ करके कांजी हाउस में डालेंगे। सभा का आयोजन हुआ गया जिसके अंदर हमने मुख्यतः तीन प्रस्ताव रखे थे। प्रमुख प्रस्ताव था पुष्कर के सरोवर की परिधि के अंदर, घाटों की परिधि के अंदर जो अवांछनीय गतिविधियां होती है, लोग जूते चप्पल ले जाते हैं पास में, सोडा साबुन लगाते हैं, कुल्ले करते हैं, तीर्थ पुरोहित उनको मना करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो पुलिस में जाता है। तीर्थ पुरोहित तो इस बारे में काफ़ी भुगत चुके हैं कि बार बार के अंदर ये हम जूते चप्पल खुलाने के चक्कर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है और पुलिस वाले भी इनको पकड़ के पंडों को ले जाकर दोषी ठहराते हैं। इसके लिए हमने उपविधियाँ बनाई थी, सरोवर की परिधि के 70 फुट दूरी के ऊपर कोई जूते चप्पल नहीं ले जाएगा, सोडा साबुन कोई भी यूज नहीं करेगा सरोवर के अंदर, और कोई भी खाद्य पदार्थ की सामग्री न बेचेगा न सरोवर के अंदर डालेगा। तो यह विधि का पहला प्रस्ताव था तो सर्वसम्मति से मेरे बोर्ड ने पास किया। दूसरा प्रस्ताव था आवारा जानवरों को जो नगर के अंदर विचरण कर रही है, घूम रही है, आवारा घूम रही है, इनको हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ते तो हमारे गोभक्त भी आ जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हमने बढ़ाया कि जुर्माने का प्रावधान रखा, हम उनको सबको पकड़ करके कांजी हाउस में डालेंगे। जिनके मालिक अगर उनको लेने के लिए आएंगे तो उन पर हमने 500 रुपये 1000 रुपये जो भी कुछ भी है जुर्माना वसूल करके हम छोड़ेंगे, और दूसरी बार फिर पकड़ेंगे तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तीसरा प्रस्ताव हमने लिया जो काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, हमारे ऊपर रोक लगाई हुई थी, पत्रकार कॉलोनी के अंदर भेज गए, कुछ पत्रकार कॉलोनी में कुछ प्लाट बचे हुए थे, तो हम यहाँ के पत्रकार भाइयों की पेंडिंग फाइलें हैं या पेंडिंग पड़े हैं, जो डिमांड करेंगे उनको हम पत्रकार भाइयों को वो प्लाट देंगे। स्थानीय पत्रकार कॉलोनी इसमें स्थानीय को आशे देंगे, स्थानीय तो आपकी हम प्रमुखता रखी है। ये तीनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पूरे बोर्ड ने पास किए। धन्यवाद। एजेंडे थे बोर्ड की बैठक में, दो उपविधियाँ जो है नगरपालिका क्षेत्र में लागू करी गई हैं। एक तो पुष्कर सरोवर के संरक्षण के लिए उपविधियाँ बनाई हैं ताकि सरोवर की जो पवित्रता और स्वच्छता जो है बनी रहे, और पुष्कर जो पूरा नगरपालिका क्षेत्र है उसमें पवित्र और स्वच्छ वातावरण बना रहे, उसके लिए ये तीर्थ संरक्षण उपविधियाँ 2023 हैं जिनका अनुमोदन हो चुका है। दूसरा रखा है कि जो पशुओं को लोग जो पालते हैं अपने घरों में, तो वो उसके लिए लाइसेंस के लिए उपविधियाँ थी पशुओं को रखने के लिए, जिसके माध्यम से पशुओं को रखने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। दूसरा, साथ ही आवारा पशु जो अगर मिलते हैं पब्लिक प्लेसेस पे तो उन पे जुर्माने की कार्रवाई जो है और जुर्माना राशि का निर्धारण भी उसमें किया गया है। तीसरा, जो पत्रकार कॉलोनी में जो भूखंड थे उन भूखंडों के निस्तारण पर विचार किया गया है, जिसमें ये निर्णय लिया है बोर्ड ने कि उनमें पत्रकारों के लिए को आमंत्रित किया जाए उसमें आवेदन करने के लिए, और जो फिर बाद में पत्रकारों के अलॉटमेंट के बाद भूखंड बचते हैं तो उनका ऑक्शन कर दिया जाए। पत्रकारों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में क्या स्थानीय पत्रकारों को लेकर कुछ सोचा गया? यहाँ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि स्थानीय पत्रकारों को उसमें वरीयता दी जाए, तो उस पर जो भी नियमानुसार जो सरकार की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाए। पुष्कर तीर्थ सरोवर के नियम ये कब गजट में नोटिफाई होते ही लागू होते हैं? वैसे तो अभी नोटिफाई करवा देंगे जब मैं नोटिफाई करूँगा। हमारी कोशिश तो ये है कि इनको कल ही नोटिफाई करवाएंगे, तो जैसे नोटिफाई हो जाएंगे एक दो दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर के अंदर ये लागू हो जाए।